अर्चना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, तो कैसा है? आपको इस ढाबे की खासियत पता है? क्या? गैस कीजिए। मुझे तो कोई खासियत नहीं लगती। रुको बताता हूँ। हम ना यहाँ पर ना हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा खैर, आपसे एक बात करनी थी अर्चना जी। क्या? कल मेरे ढाबे पे खीर बननी है, लेकिन राशन वाला मुझे काजू नहीं दे रहा। वो कह रहा है जाकर पहले उस बंदे को लेकर आओ जिसने कभी काजू खाए हो। फिर मेरे दिमाग में आपका ख्याल आया। मेरा क्यों? क्योंकि आपने तो काफी सिद्धू साहब के काजू इधर उधर किए हुए ना। ये क्या हुआ? एक मिनट रुको। ओ अर्चना जी, हो गया सिद्धू साहब का हमला। मैं तो कहता हूँ कर दो बादाम वापस उनके। अब प्रॉब्लम होने वाली है। धीरे आओ यार। ए बॉल ढाबे पे लगी तो आउट हो गया तू। लेकिन मैं तो आउट हो ही नहीं सकता ना। क्यों? अरे बैट मिला है, बैट जिसका होता है वो आउट थोड़ी होता है। ओए को क्या बोल नहीं, क्या कर ले? अब कौन लोग हो तुम? हेलो अंकल, माई सेल्फ डोनाल्ड ट्रंप एंड हीज पुतिन। अच्छा। अरे दिखता नहीं क्या हम लोग बच्चे लोग? ए बेटा इधर आओ तुम। क्या हुआ? तुम अपने खानदान के इकलौते बच्चे हो ना? ओ अंकल, आपको कैसे पता चला? तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि खानदान की सारी इन्वेस्टमेंट तुम पे ही हुई है। अंकल आप भी अपने खानदान के इकलौते हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आपको भी देख के पता चल रहा है आपके खानदान के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं था। ओ यार कितना फनी है यार तू, कितना कॉमेडी है तू। ये देख कितनी रौनक है इधर, चमक चमक। ये हम लोग कपिल शर्मा शो पे आए हैं। अरे वो देख मड वाली आंटी। आंटी हेलो। आंटी एक बार वो डरावनी वाली हंसी हंसो ना। आंटी एक काम करो ना, बिल मत वाली आंटी वो पतीले में से बॉल निकाल के दे दो ना। वो क्यों निकालेगी? अरे सिद्धू अंकल को निकाल दिया शो में से, पतीले में से बॉल नहीं निकाल सकती। हेलो अंकल, हेलो। खैर हम इनसे इतना इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं? जाके मालिक को बुलाओ। ओ मैं ही मालिक हूँ। आप ही मालिक हो? चंदू तेरे ढाबे पे कस्टमर आया आज। ओ अंतल, इतिहास गवाह है, जून के महीने में ठंडी, दिसंबर के महीने में गर्मी, और इस ढाबे पे कस्टमर आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। ओ वाओ यार। हाय अंकल। अंकल आप कपिल शर्मा शो हो ना? हाँ। तो बताओ ना जब ये पैदा हुआ था तो क्या हुआ था? तू कितना फनी है यार, तू कैसे कहता है इतना फनी, तू कॉमेडी क्या कर रहा है? मैं तो चॉकलेट देगा, चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट चॉकलेट देगा। अंकल हम दोनों बहुत फनी है ना? बहुत फनी हो। तो इसको निकाल दो ना फिर। ओए तुम दोनों हो कौन? हेलो अंकल, मैं हूँ रामलाल, रामलाल, रामलाल। और तुम? अंकल I am Dhani Ram. Dhani Ram, Dhani Ram, Dhani Ram, Dhani Ram. तो ये क्या मेट्रो के जमाने में रेट्रो बच्चे? अंकल अंकल दरअसल बात पता क्या है, हमारे बगल में ना दो खड़ूस अंकल रहते हैं। अच्छा। रामलाल और धनी राम। अच्छा। उन्होंने ना हमारी बॉल रख ली तो हमने उनका नाम रख लिया। अब गड़बड़ हम लोग करते हैं और गालियां वो लोग खाते हैं। वैसे तो कप्पू अंतल, क्या आपके यहाँ पे ना मेहनत देता है आपके शो पे, यहाँ पे कभी कभी वो नोरा फतेही आती है ना, तो आपका तो बहुत मन करता होगा ना उनको ऐसे कॉफी के लिए ले जाने के लिए। हाँ मतलब लेकिन नहीं जाना अंकल। क्यों? आपकी शादी हुई हुई है, शादी वापस ले जाएंगे लड़की वाले। लेकिन नहीं जाना, मत जाना लेके। ओ यार कितना फनी है यार तू, कमाल है यार तू, यार कितनी फनी बात कर। ज्यादा फनी बात मत करना यहाँ पे, ये तो ये लोग रख लेते हैं।
अपने आके फली लो तो यहाँ पे लगते हैं हाँ। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो सारे एहसान मामे थोड़ी करते हैं, कुछ दोस्तों को भी करने पड़ते हैं। इस बात पे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ अंकल, अब घोड़ा बनो ना, मेरे को आपके ऊपर बैठना है। बनो ना अंकल बनो ना। मैंने स्कूल में तुम्हारी शिकायत लगाने नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो। अगर शिकायत लगाने से स्कूल के बच्चे पढ़ने लगते तो आज आप किसी बैंक में मैनेजर होते। तो जाओ फिर बैंक के मैनेजर को पूछो जाकर चंदू के अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्या बात है, वाह अंकल तो एकदम हर्ट हो गए। अंकल बुरा मत मानो अंकल, आपके पास बैंक में बहुत पैसा है अंकल, और आपने पढ़ाई लिखाई भी बहुत की थी। एक सवाल पूछूं अंकल आपसे हिस्ट्री का? हाँ पूछो बेटे। 2+2 कितना होता है? तो बेटे ये हिस्ट्री का नहीं, ये मैथ का सवाल है। टीचर ने परसों पूछ लिया था ना, अभी तो हिस्ट्री हो गया ना। ओए कपू तुम साइड बढ़ो। क्या बोले? मैं देखता हूँ तुम्हें। अंतल क्या तल रहे हो, आप तो हमको देख लोगे क्योंकि हम लोग क्यूट हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा देर आपको देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत अनक्यूट हो। कपिल शर्मा जी अंकल, हाँ? आपको इसके बारे में एक बात बताऊं? क्या? ये इतना डरपोक है, रात को सुसू जाते हैं ना तो अपनी मम्मी को साथ में लेके जाता है। रामलाल ये बात नहीं बतानी थी, ये क्यों बोली? तूने मेरे बारे में बात बताया ना, मैं तेरे बारे में भी बताऊंगा। आपको पता है इसके पापा ना इतने ज्यादा दलपोक है, इतने दलपोक है, इसके पापा जब रात को टॉयलेट जाते हैं ना मम्मी को साथ में लेके जाते हैं। मैं भी बताऊंगा ना, ये अंडरवेयर नहीं पहनता पता है तो मैं भी बताऊंगा। ये ना अभी अंदर अपने पापा के अंडरवेयर पहन के आया है, दिखा दिखा। अब पता है ये भी अपने पापा की अंडरवेयर पहनता है, इसको बहुत छोटी पड़ती है। तेरे से ज्यादा अच्छा वाला बोला मैंने। कपू वैसे इनको देखकर हमें हमारा बचपन याद आ गया ना। तेरे बचपन की कोई याद थी तेरी? क्यों? तेरे तो दुख दर्द थे तेरे तो बचपन में। बचपन होते इन बच्चों के देखो, मुंबई में पढ़े लिखे, और तेरे को तो पैदा होते 14 साल की जेल हो गई थी। तो सोच लो फिर जिसने बचपन जेल में काटा हो वो जवानी में क्या नहीं कर सकता। क्या बात है, दोनों का झगड़ा लगा दिया हम लोग। इससे पहले ये लोग हमको माले, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ओते अंदल यू बॉल तंदी अंदल ओते बाय बाय। बच्चे निकल गए, तुम भी निकलो। मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ निकलो फिर। अर्चना जी आज जो मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में लोग इन्हें कॉन्फिडेंस का बादशाह कहते हैं। डायलॉग डिलीवरी में इनका अंदाज सबसे निराला है, इनके आगे अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं जब ये अपनी दमदार आवाज में कहते हैं खामोश। तो समझ तो आप गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चहेते लेजेंडरी एक्टर मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। ओहो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक तो आपकी दमदार आवाज और ऊपर से इतना खूबसूरत संदेश। सर ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मैंने वीडियो देखा कल इसका, मुझे लग भी रहा था कि आज के माहौल में इन सब चीज़ों की, ऐसे गानों की या ऐसे माहौल की बड़ी ज़रूरत है कि जब हम ज़रूरत में किसी के लिए ज़रूरी हो जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। थैंक यू। आइए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। ज़ोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। तो ये गाना जो है ये इसका बड़ा ही खूबसूरत थॉट है कि जब आप की किसी को जरूरत हो उस समय आपको वहां होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी हो जाओ आप। जैसे शत्रु सर सिद्धू सर जब यहाँ पे बैठते थे तो वो जरूरी थे, लेकिन इनका यहाँ बैठना इनकी जरूरत है। तो कभी कभी ना जरूरी आदमी का तख्ता पलट कर देता है जरूरतों वाला आदमी। अब क्या कहें, हमने सुना था नारी भारी होती सर, लेकिन नारी इतनी भारी होती है ये हमें अभी 1 साल पहले ही पता चला है। शेर पे भी भारी है इनकी गर्जना, ओहो तभी तो इतने जानदार शानदार और दमदार सिद्धू की सीट पे विराजमान है हमारी अर्चना। वाह। और देखिए आपने जरूरत की बात जो की जी, ये
चल जरूरत में जरूरी हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा लिखा है श्रवण ने, और बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव कलाकार मेकर वरुण गुप्ता ने और उनकी टीम ने इतने बढ़िया से बनाया है इसको कि आपको सुन के ताज्जुब होगा अर्चना जी, क्या 2-3 दिनों के अंदर में ही ट्रेंड सेटर तो है ही, लेकिन करीब करीब 2.5 मिलियन को टच कर गया 2-3 दिन के अंदर में, और देश विदेश में जगह जगह इसकी जो कदर हो रही है, इसके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, चाहे कनाडा में कि अमेरिका में कि ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत गजब किया है वरुण गुप्ता। हम यहाँ पे मौजूद भी बैठे हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए, इनके टीम के लिए। और ये आज चारों तरफ इतना लोकप्रिय हुआ है, इतना लोकप्रिय हो कि इसके अंदर आपको सुन के खुशी होगी, कुछ लोगों ने, खासकर सिद्धार्थ काक डॉक्यूमेकर फिल्म मेकर, उन्होंने तो जो कॉम्प्लीमेंट भेजा है, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम एंथम फॉर ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल सर। अच्छा शत्रु सर, आपसे जब भी मुलाकात हुई, कभी हमने पूछा नहीं कि आपको देख के तो लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए होंगे कि हमें भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बनना है, लेकिन आपका चहेता कौन था, आपके फेवरेट कौन थे एक्टर? जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो थे लेट और ग्रेट राज कपूर साहब। आह क्या बात है, वाह। और आज तक जिंदगी मैंने एक बार ही फैन लेटर लिखा है। अच्छा जी। वो हमारी ग्रेट और लेट नरगिस जी को। वाह क्या बात। नरगिस जी जब मेरे शादी के बाद मेरे घर पे आई थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने अब पहला लेटर भेजा था पोस्ट कार्ड नरगिस दीदी कर, अब कम से कम आप तो जवाब दे दीजिए मुझको। वैसे मेरे मनपसंद और बहुत सारे हुए, जैसे बड़े भाई धर्मेंद्र, उनको आज तक मैं बहुत मानता हूँ, उनको तो लव एट फर्स्ट साइट। पुणे इंस्टीट्यूट में जब मैं था, वो आए थे किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मुझे बात करनी नहीं आती थी, और मैं सोचा कि इतना बड़ा स्टार धर्मेंद्र, घने बाल, ये वो, तो मैंने जो दो बातें करने की कोशिश की थी आज तक मुझे याद है, बड़ी मुश्किल से चक्कर चला के मैंने कहा, जी आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? और धर्म जी ने सिर्फ एक लुक दिया मुझे, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूँ, तो एकदम चुप चुप, मेरी तो हालत खराब। मैंने कहा आप क्या पूछूं, सवाल तो ऐसा पूछना चाहिए जो सामने वाला फंस जाए। हाँ। जैसे आप पूछते हो तो आदमी कैसे बोलता चला जाता है, जैसे आपने पूछा मैं बोलता चला जा रहा हूँ, लेकिन वो तो अदा, वो ना अदा थी। हाँ। ना आदत थी। अल्टीमेटली दूसरा सवाल मैंने किया उनसे बहुत हिम्मत करके, अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा बड़े भाई को। तो मैंने धर्म जी को कहा कि आप संडे को मुंबई के रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? अच्छा। उन्होंने फिर लुक दिया और सिर्फ उससे भी छोटा जवाब दिया, नहीं। और मेरी जान चली गई वहां से। अभी वही बड़े भाई धर्मेंद्र जी के साथ कितनी फिल्में की मैंने, सुपर हिट फिल्म दोस्त की कितनी फिल्में की, और वहां पे मैं हमेशा कहता था कि भाई अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ। सर आज भी हमें वही फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, और मुझे रोज ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मेरे कोई फेवरेट चहेते आते हैं तो मुझे वाकई में यकीन नहीं होता। मेरे जब करियर की शुरुआत की थी टीवी पे, तो तब भी सिद्धू पाजी और शत्रु सर हमारे शो में जज थे। हाँ। और तब बहुत अप्रिशिएट करते थे शत्रु सर हमें बहुत, और मुझे होनहार विरवान के होत चिकने पात। हाँ। पता नहीं इनको समझ में आया नहीं आया। लेकिन मैं उस वक्त ही देख के समझ गया था, मैं सिद्धू को कहता था कि सबसे बढ़िया जो यूएसपी, जो खासियत कपिल शर्मा लेकर आए हैं, वो है इनका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कि मैं मुंबई आया हूँ, शाख बनाऊंगा, करके जाऊंगा, करूंगा। आशीर्वाद है सर आपकी। लेकिन सर हम लोग कॉन्फिडेंस की चलो बात चल रही है, पर आप इतने कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, तो ये अर्चना जी का सवाल था, ऐसे बोल रही थी कि जब शत्रु सर आए तो पूछना, सर जब आपने पूनम मैम को प्रपोज किया था आपको पूरा विश्वास था कि बात बन जाएगी, आपने भी 3-4 जगह अर्जी डाली हुई थी। अब वैसे तो कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मेरी समस्या ये नहीं थी कि मैं किससे शादी करूं जी, मेरी समस्या ये थी कि किससे शादी ना करूं।
ये समस्या थी। और जहां तक प्रपोजल का सवाल है, मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं अपने बड़े भाई जो अभी अमेरिका में हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, एनएन सिप्पी साहब। अच्छा जी। तो एनएन सिप्पी साहब के साथ प्रपोजल लेके भेजा था, तो मेरी लेट एंड ग्रेट मदर इन लॉ, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया था। मदर इन लॉ ने कहा कि अरे उसका शक्ल देखा है कि अपने भाई का। मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि तुम इतना बड़ा आदमी हो के, पढ़ा लिखा आदमी होकर उस जाहिल का हमारे सामने प्रपोजल लाया है। जो शक्ल से ही ऐसा लगता है, लोग बोलता है गुंडा है वो। ये बात और है कि बात जब बनती गई या बिगड़ती गई या फिर बन गई, और फिर बाद में जब शादी हुई तो वही सासू माँ जो हमारे बहुत खिलाफ रहती थी जी, बाद में हमारे ही पक्ष में हो गई टोटल, और इतना मानने लगी मुझको। इसका माने कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी हैं मेरे अंदर। अरे सर, तब मैं मुझे पहले मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार पहले शत्रु सर ने स्टार्टिंग में विलेन के रोल भी किए, तो जब आप हीरो बने तो वो मतलब अपनी मर्जी से बने या ससुराल वालों का दबाव था? ना ना, मार मार के बना दिया गया। इस बीच में क्या हुआ कि इतनी तालियां बजने लगी विलेन के रोल पे जो आज सब कभी हुआ नहीं, ना बाद में हुआ ना पहले हुआ। क्या बात। कि एंट्री पे जब ताली बजती थी और हीरो को मैं मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मारता था उसको गालियां मिलने लगी। तो इन तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर ओनर्स ने, एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे प्रोड्यूसर्स को पास किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली जो मुझे कल तक विलन लेते थे मुझे हीरो लेने के लिए उनको मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक की पुकार थी, डिमांड थी। और इसी चक्कर में मदर इन लॉ का भी थोड़ा आइडिया बदला। क्या बात। यानी पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया, सपोर्ट किया शादी होने में। तो सर ये मतलब मैं ये पूछना, तीसरे बादशाह वाले अंकल, तीसरे हम लोग फिर आ गए। अंकल अंकल अंकल, ये ना आपको पीछे से देख रहा था। नहीं अंकल, मैं नहीं अंकल, ये मुझे लेते आया, ये लेते आया, मैं तो इधर आया आया ही नहीं था, ये लेके आया, मुझे खींच के लेके आया। नहीं अंकल, ये ना पीछे आपका डायलॉग बोल रहा था, मैं तेरे को सौदे की तरह थर्र से खोल के फर्र से पी जाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। आपको वो चाहिए था क्या, वो साइन को क्या, आपसे सेल्फी चाहिए था अंतल। अंतल बहुत जोर से बोल दिया, मेरा शुशु आ गया। अंकल कोई बात नहीं, सेल्फी तभी और ले लेंगे। अभी हम जाते हैं, कपड़े चेंज करके आ जाओ, कपड़े चेंज कर लेते हैं। सर ये बड़े शैतान बच्चे हैं, नए नए शिफ्ट हुए हैं हमारी सोसाइटी के बगल में। नहीं नहीं, अच्छे पाले हुए। सही कहा। सर अभी थोड़े दिन पहले पूनम जी हमारे शो पे आई थी। आपकी वाली नहीं, पूनम ढिल्लो जी। ओहो, पहले बता दीजिए, मैं डर जाता हूं। वो भी हमारी ही है, अच्छी है। जब कई बार हम दोनों का फोटोग्राफ साथ होता है, मिसेज पूनम सिन्हा का और पूनम ढिल्लो का, तो दोनों खड़े होते हैं, मैं बीच में रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसका कैप्शन हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये उन्होंने कुछ कहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, पेश किया जाए। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे कोस्टार्स के साथ काम किया, तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? ऑलमोस्ट सारी नहीं, मेरा टॉप था शत्रुघ्न सिन्हा। आधी लाइफ उनकी वेट करने में लगा। आई एम टेलिंग यू, ही वाज लेजेंडरी। और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे, बहुत अच्छे से, शत्रुघ्न सिन्हा। माय गुडनेस, दो पेज दे तो दो एक बार, हाँ पढ़ लेते और फिर क्या सीन है। हाँ चलो टेक, टेक मतलब दो पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइन। अमेजिंग मेमोरी, अमेजिंग ही वाज। वाओ, दोनों बहुत अच्छी हैं, पूनम भी, पद्मिनी कोल्हापुरे जी, जी बहुत। कितने दिल से कितनी मेरी तारीफ कर।
पर हाँ सर, सबने आके जितने भी लोग आए, जितने भी आपके को स्टार्स आए, सबने एक बात जरूर बोली कि शत्रु जी एक बार डायलॉग पढ़ते थे और बस, उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं लेट लतीफ रहा, क्योंकि पहले से कहता आप तैयारी कर लो जब मैं आऊंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद। और मैं एक दो बातें बता दूं इस पे। अब ये अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त जो हैं नेशनल आइकॉन, उन्होंने खुद भी कहा है। अच्छा जी। कि हमारे एक मेकअप मैन की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसेट था, और वहाँ पे यही यश जौहर, करण जौहर के जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जी, इनकी फिल्म कर रहा था दोस्ताना। अच्छा जी। अचानक फोन आया जौहर साहब का कि कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेट मेरा आज ही तक है, 2 बजे के बाद सेट डिसमेंटल हो जाएगा। अच्छा जी। हम कहने नहीं, ऐसी क्या बात है, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आता हूँ। निकला स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में आया और करीब 1-1.5 बजे होंगे, और बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर जो हमको बहुत मानते थे, राज खोसला। अच्छा जी, वाह। तो अचानक वो सीन दिया गया मुझे और मैं गया 1:30 बजे करीब, वहाँ गया और मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप क्या करना, मेरी शक्ल को तो प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, मेकअप की ज़रूरत तो है नहीं। फिर भी कोशिश की, बाल करता गया, जैकेट पहना, टाई लगाई, बात करता गया। हम बोले हाँ डायलॉग बोलो डायलॉग। ड्यूब को बोला तुम चलो, मूवमेंट का राज खोसला साहब को कहा सर आप बताइए ना क्या करना है। 6 पेज का था वो डायलॉग। हाँ 6 पेज का डायलॉग पढ़ो। अच्छा एक बार और पढ़ो, आप कहाँ वहाँ रुकना भी है, उनसे भी बात करो, वहाँ रुकना भी है। अच्छा ठीक है, करते करते पढ़ो फिर से ये। अच्छा चलो ठीक है, टेक करते हैं। वाह क्या बात। तो अमिताभ भी थे सब ये, अब 1:45 बजे। तो मैंने कहा चलो, तो सब एक ये, और अचानक मैंने क्या बोला कैसे बोला, 5-6 पेज का डायलॉग था, मूवमेंट के साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ हाथ पकड़ा, ये किया, झगड़ा किया इस मूवमेंट पे, ओवर शोल्डर शॉट, सारे सब श्रोते। अचानक देखा बड़ी ज़ोरदार तालियाँ बजी ऊपर से, कैटवॉक चारों तरफ से लोग तालियाँ बहुत बजाए। तो मुझे क्या हुआ, तो अमिताभ ने बहुत गले लगाया मुझको। तो कई बार ये ऊपर वाले का बहुत एक देन भी ना, दूसरा मैं न्यूकमर्स को और कई बार इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं जाता हूँ अगर लोगों को थोड़ा पढ़ाने या सिखाने या कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो बताता हूँ कि सबसे पहले कंटेंट समझो। हाँ। क्या कह रहा है वो सीन, राइट, ग्रास्प करो। और बाद में अगर जैसे हमारे धर्म जी ने कहा था बहुत पहले, जब पंजाबी सीखने गए थे, कहा कि पंजाबी सीखनी है, तो धर्म जी ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू एक काम कर, पहले गाली सीख ले, ग्रामर अपने आप आ जाएगी तेरे को। बट ये जो लेट लतीफ पे आपने दिखाया है जी कपिल, अगर आपकी इजाजत हो जी सर, तो जल्दी से कंक्लूड कर दूं इस पे जी सर, कि जो कहा लेट लतीफ, और सबसे ज्यादा लेट लतीफ होता था मैं, मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, कलाकार निर्माता निर्देशक, बड़े भाई समान हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था ये 4 भाई हैं शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण है, लेकिन दरअसल ये शत्रुघ्न जो हैं राम बनकर पैदा होने वाले थे रामायण में, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बनकर पैदा। क्या बात है। पर सर पूनम मैम ने ये बताया, आपकी वाली पूनम मैम ने जी जी जी, कि घर से तो टाइम पे ही निकलते थे शूटिंग पे, तो सेट पे पता नहीं कहते, हमें भी नहीं पता था कैसे लेट हो जाते। बहुत बदमाश है ये सर। मैंने एक दिन, और ये उन्होंने नहीं बताया है, उन्हें तो शायद पता ही बाद में चला होगा। ये हमारे दोस्त और नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन ने बताया है। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था सर, शत्रु सर और बच्चन साहब बैठे हुए थे। हाँ। और यही बात चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम साथ में एक फिल्म कर रहे थे और ये शिफ्ट खत्म करके नेक्स्ट शिफ्ट जो थी वो भी हमारी साथ में थी फिल्म, तो बोले शत्रु जी मेरे से पहले निकले और मैं आप काम खत्म करके बाद में निकला, तो मैं पहले पहुंच गया, शत्रु जी तब भी नहीं पहुंचे थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि शत्रु जी आज तो बता दीजिए आप जाते कहाँ थे। खैर ये सब राज की बात है। और ऐसे भी आप बताने से क्या फायदा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा सर, सारी इंडस्ट्री सारी दुनिया ये बोलती है कि जैसे आपकी मेमोरी की बड़ा जिक्र होता है कि यार शत्रु जी जैसी मेमोरी किसी की नहीं है, फटाफट एक बार सीन पड़ा और कर दिया,
लड़कियों में शत्रुघ्न सिन्हा कौन थी जिनकी आपकी जैसी मेमोरी हो, जिनको जल्दी याद हो जाता था? ऐसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन डबिंग के मामले में कहते हैं कि नहीं सर आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक, लेकिन अगर कोई लड़कियों में है तो सोनाक्षी आज, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे डबिंग के मामले में तो मुमताज थी। अच्छा, बहुत जबरदस्त रीना रॉय। मैंने अब नाम लेना भी गुनाह है। मैं तो बहुत मान सम्मान और इज्जत से नाम ले रहा हूँ। जीवन में इन तमाम लोगों का हमारे ऊपर बहुत ही एहसान रहा है, बहुत ही उपकार रहा है। मैं तो अच्छे से बात कर, अगर आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका माने आप बहुत शरारती हैं। मेमोरी की बात चल रही है तो उम्मीदें बड़ी बढ़ जाती हैं, खास तौर पे जब आपकी, सबको पता है कि याददाश्त जो है बड़ी कमाल की है, तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो सकता है? मतलब कभी भूलें सर आप? हाँ, बट क्या हो सकता है कि आप जो एक दो निशान एक्स्ट्रा देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे आप? सर आपका इतने अच्छा कमांड है आपका हिंदी के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी, लेकिन कभी लैंग्वेज की वजह से कभी आप अटके हैं या भटके हों या लटके हों? अटका भी हूँ, भटका भी हूँ। अच्छा जी। और अंतोगतवा लटका भी। अच्छा जी। ये बहुत पहले जब मेरे सबसे मेरे शायद पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था। अच्छा जी। कराची। अच्छा जी। और उस वक्त आपको भी याद होगा बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा, आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आया, नाजिया हसन। तो मैं वहाँ कराची गया हुआ था। अच्छा जी। तो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में रखा गया, मेरे लिए भी ऑनर था और साथ ही साथ वो लड़की नाजिया हसन को प्लेक देना था, सम्मान देना था। अच्छा जी। तो वहाँ उसके लिए बहुत फंक्शन रखी गई। अब मेरा शायद वो पहला ही ट्रिप था और कौंसल जनरल साहब ने बड़ी इज्जत दी, बांध दिया, आप पाकिस्तान आए हैं, यहाँ कराची में ज़रूर आइए हमारे कौंसलेट में। कौंसलेट में गया, शाम को फंक्शन बड़ा बढ़िया, स्टेज वगैरह लगा हुआ, नाजिया हसन भी आई थी। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा जो तकरीर यानी भाषण की घड़ी आई तो मैं देख रहा हूँ सामने और यही सोच रहा हूँ कि मैं किस ज़ुबान में बात करूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आज मौका अच्छा है, आप लोग कहते हो अच्छा बोलता हूँ, तो आज मैं उर्दू में बोलूँगा। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक साहब मौलाना साहब खड़े हुए, मौलाना साहब ने आके जो अपनी तकरीर पेश की, उन्होंने कहा जनाब ख्वातीन हजरात, आज के शाम के जलसे के सदर महफिल जनाब शत्रुमुर्ख सेना साहब। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ भैया इतने दिन पहले ही हमको शत्रुमुर्ख बना दिया, राम शत्रुमुर्ख सना साहेब आज तशरीफ लाए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनसे खातिब। अरे हम इतना उर्दू बोला तो आपका जो आप भी सुनाए होंगे कि कौम को वो एक जोक याद आ गया कि किसी ने कहा भाई साहब आपके यहाँ काढ़ा है काढ़ा, उसने कहा जी हाँ काढ़ा तो है मैं इतना गाढ़ा नहीं जितना आप बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि उर्दू तो ख़त्म हो गई हमारी, ये तो लिमिटेड कंपनी हो गई मेरी, इतनी ऐसे गाड़ी उर्दू बोली काढ़े वाली गाड़ी गाढ़ा। मैंने कहा ठीक है अंग्रेजी में बात करूंगा। तो साहब एक हजरत आए सज्जन, अब वो था ऑक्सफोर्ड वाले, तो वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे, ऐसे एक्सेंट के साथ उन्होंने बात की, टडाई टडाई, अरे भैया डे टुडे इज द डे, अच्छा वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, आई फू फू फा फू, हमने घबराया, हम कहा अब नहीं चलेगा, अंग्रेजी भी नहीं चलेगी, मार जाऊंगा अब तो, हम अब तो उर्दू भी नहीं अंग्रेजी भी नहीं। अब लटके भटके और अटके में फैसला कर लिया कि हमारी भाषा हिंदी और हमारी मातृभाषा भी हिंदी,
तब तक कौंसल जनरल साहब जो साउथ इंडियन थे, वो कौंसल जनरल साहब बहुत पॉपुलर आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, विद्वान आदमी है। और वो साहब साउथ इंडियन साहब खड़े हुए, जो भाषा बोली उन्होंने, तो मैं तो लड़खड़ा के नीचे गिर के बेहोश हो गया कि उन्होंने कहा सायं काल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हो रही है, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं नीचे टेबल पे बेहोश होके, क्योंकि मैं टेबल के नीचे इसलिए गया कि जैसा कपिल शर्मा ने कहा, मैं अटका, भटका और लटका नीचे वहां पे, वहां पे। और साहब वो कौंसल जनरल कौन थे जो मैंने कहा साउथ इंडियन, तो थे मणिशंकर अय्यर। क्या बात है, वाह। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। क्या बात है। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको जिन्होंने उर्दू में बोला उनका भी सब याद है, जिन्होंने इंग्लिश में बोला उनका भी सब याद है। क्या बात है सर, वाह, लव यू सर, क्या बात है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो सर, बड़े किस्से आपके बारे में पता है, सब लोग ये बोलते थे कि शत्रु सर का जो पहला ही सीन होता था पहली बार में ओके हो जाता था, कभी कभी होता था कि अच्छा कोई रीटेक देना पड़े। तो सर सवाल ये था, मतलब कुछ ना, थोड़े शरारती बुद्धि के लोग भी हैं हमारे पास। हाँ हाँ, दिखाई पड़ रहा। तो ये लोग क्या ये शील्ड और मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहा हूँ। हरकतों से समझ रहा हूँ कितने शरारती। तो ये मेरे को क्या बोल रहे थे सर, मेरे को बोलते शत्रु सर आएंगे तो उनको पूछना कि सर सब सीन जो आप एक ही बार में ओके कर देते कि रोमांटिक सीन में तीन चार टेक लेते थे। नहीं नहीं, रोमांटिक सीन में डिपेंड करता है किस तरह का रोमांटिक सीन, अगर बिछड़ने का हो तो भी उसको रिटेक करने की जरूरत नहीं। पर सर कभी ऐसा हुआ कि कभी आप कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हो और सडनली आपके किसी असिस्टेंट ने कहा कि सर पूनम जी लंच लेकर आई है, फिर क्या होता था सर बताइए, फिर क्या होता था। मैं एक बार याद है पूनम जी ने मुझे कहा कि किसी फ्लैट के बारे में कि हाँ आती थी इधर से पास करती थी बच्चों को लेके, लोग मुझे कुछ बताते थे सुनाते थे कि इस फ्लैट में आप अक्सर आते थे। एक बात बताइए, मैं जितनी बार इधर पास की हम फ्लैट में कभी लाइट नहीं देखी हमने, हमेशा अंधेरा देखा। क्या ऐसा क्यों, अंधेरा क्यों रहता था? मैंने कहा कि मैं कोई किताब पढ़ने थोड़ी आता था वहाँ। शत्रु सर का किस्सा सुनाने का जो अंदाज है, अंदाजे बयां जो है वो बड़ा कमाल का है सर। अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात, नई बात नहीं। वाह, क्या बात है। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, शत्रु सर ने एक प्ले किया था पति पत्नी और मैं, वो प्ले जो है वो देशों विदेशों में बड़ा सराहा गया और हमने किससे सुने कि उस प्ले को देखने के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देखने आए, लाल कृष्ण अडवाणी जी देखने आए, सोनिया गांधी जी देखने आई, मनमोहन सिंह जी देखने आए, लालू यादव जी देखने आए, नीतीश कुमार जी देखने आए। तो ये सच में प्ले देखने आए थे कि अपनी पार्टी का टिकट ऑफर करने आए थे? नहीं, ये प्ले बहुत ही जबरदस्त सटार और इसमें हम लोग जितनी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी वो भी हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते थे। जैसे आप कितना एक्सटेम्पोर करते हो ना, हम भी एक्सटेम्पोर करके चेंज करते थे अपना। लेकिन ये लोग देखने आए, इंजॉय करते थे और बहुत ही मैंने हंसी का पिटारा था एकदम एक, और साथ साथ मैसेज भी था कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी अभी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है जी, तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो शादी हो ही गई है तो यहीं पे अटक जाइए, भटकिए और अटकिए मत, यही मैरिज बड़ी मुश्किल से हुई है आपकी। क्या बात है सर, प्रणाम प्रणाम। शत्रु सर, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहना। अच्छा नहीं, नहीं क्योंकि मैं आपका फैन हूँ ही नहीं सर। हाँ। मैं आपका भक्त हूँ सर। अच्छा। मैंने आपको पूजा है सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं,
इसलिए आज मैं स्पेशल अपने ढाबे का बना हुआ लिट्टी चोखा आपके लिए लेकर आया हूँ सर। पर तू तो ठहरा पंजाबी, तुझे लिट्टी चोखा कहाँ से बनाना आ गया? ओ हम पंजाबियों ने कनाडा में पंजाब बना दिया, तुम लिट्टी चोखे की बात कर रहे हो। सर हाँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। पेश क्यों? रिक्वेस्ट ही तू ऑर्डर कर सकता है? ये आपको मैं सर इसकी हरते में तो बताता नहीं सर, खुद ही बड़ी शर्म आती है। हाँ। अजीब अजीब रिक्वेस्टें करता है। गाड़ी पे जाके सिग्नल पे जाके ना गाड़ी वाले को ठोक के कहता है, कहता मैं कुछ मांग नहीं रहा, खाली मेरे को रिक्वेस्ट है कि सिग्नल पे गाड़ी बंद कर लिया करो आप। हाँ। 10 रुपए का पेट्रोल बचता है, उसमें से 5 मेरे को दे दो। तू ऐसी हरकतें ना किया कर, नहीं अच्छा लगता। सर ये सब झूठ बोल रहा है। अच्छा। मैम ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो खानदानी अमीर थे। हाँ। मेरे चाचा जी का आज भी सोने का काम है। हाँ, अभी भी फोन करके देख लो चाचा जी को, सो ही रहे होंगे। यार तुमने मेरे चाचा जी के घर भी तांग जांग करनी शुरू कर दी। खैर सर मैं आपको बताता हूँ इनकी बात। जब इनके पड़ोसी जाते हैं ना बाहर, तो वो घर को लॉक लगा कर नहीं जाते, उनको पता है कपू शर्मा बैठा तांग जांग कर रहा है, चोर ने किसी ने आना नहीं है। हाँ, लेकिन इसका उल्टा है, इसको देखते दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि खुला दरवाजा देख के अंदर आके मांगने ले कुछ। आदमी फ्री होता है, आदमी क्या करते हो आप घर में? कैरम बोर्ड खेल लिया या लूडो खेल लिया? ये अजीब ही हरकतें करता है सर। खाली कटोरियां देके ना सारे घर वालों को कहता फील्ड में निकलो, जो पहले दाल मखनी ले आया वो विनर। और कमाल की बात देखिए, ये हमेशा जीतता था। खैर सर इसकी बातों को आप सीरियसली ना लें ना। क्योंकि चैनल का बड़ा प्रेशर होता है, इसलिए कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा। और चैनल क्या बोलता है, इसका प्रेशर मैंने इसके ऊपर कभी आने नहीं दिया। मैंने आज तक नहीं बताया कि चैनल कहते हैं आपकी वजह से चुप बैठे, नहीं तो हम घसीट के ले जाते। सर ये देखो मैंने आपको कहा ना कुछ भी बोलता। खैर सर छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जी। आप इंडस्ट्री में इतना आपका नाम है, तो शूटिंग में जितना भी खाना जाता है अगर आप मेरे ढाबे से लगवा रहे हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं इसका कोई आता नहीं खाना खाने सर, ये मास्क वगैरह तो अभी 2020 में आए हैं ना, लेकिन इसका तो ढाबा जब से खुला था लोग तब से पहन के आते, बड़ी स्मेल आती है जी सब्जियों में से। वो खाने की बात नहीं थी, खाने की वजह थोड़ी मास्क पहने थे, तो वो तो ढाबे से स्मेल आती थी सर, खाना बड़ा हाइजेनिक था हमारा। अच्छा। तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं बिजनेस टाइकून नहीं बन पाया हूँ। नहीं तो आज मेरे अपने ढाबे की फ्रेंचाइज होनी थी। क्या होती तुम्हारे ढाबे? मेरे अपने ढाबे की फ्रेंचाइज होनी थी। क्या होती? क्या होती मतलब? यार एक तो तुम्हें हर वर्ड का मतलब समझाना पड़ता है। इसका मतलब बताओ, लॉकडाउन में मीके के साथ बैंड बजाने की जगह तुमने अंग्रेजी पे ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम दोनों सेट होते। कब तक मुझ पे डिपेंड रहोगे? ये पैदा हुआ ना सर, तो डॉक्टर पता क्या कहते हैं इनके पिताजी को? कहता अगर अल्ट्रासाउंड में मुझे इसकी शक्ल दिख जाती ना, मैं डिलीवरी रुकवा देता। और सर जब ये पैदा हुए, डॉक्टर ने आकर इनके घर वालों को बोला, कहते यार 9 महीने रुके, 2 महीने और रुक जाते शायद कुछ अच्छा हो जाता। और जब ये पैदा हुआ ना, यार क्या तुम मेरे पैदा होने के पीछे पड़े? उतना पैदा होने का फायदा मेरे घर वालों को नहीं हुआ जितना ये बंदा ले रहा है। ये बात बिना हाथ लाए बोल के दिखा, चल जा आज तेरे को चैलेंज है। सर हर एपिसोड में ये अच्छा पकड़ा है कपिल। अच्छा 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 सर हर एपिसोड। अच्छा बढ़िया है। सर हर एपिसोड में ये क्या? हर एपिसोड में? सर हर एपिसोड में 5 मिनट चर्चा मेरे पैदा होने पे होती है, और पिछले 8 साल से आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि मैं पैदा कैसे हुआ था। चलो छोड़ो ये, जब पहली बार स्कूल गया जा भाई, मैं स्कूल गया ही नहीं। और नहीं गया मैं स्कूल, मैं अंगूठा छाप हूँ यार। बताने की जरूरत है? सर इसने इधर नहीं बात होने देनी, आप पीछे आइए। पीछे उन्होंने तेरे से बात करनी नहीं? कपिल शर्मा यार प्लीज, मेरे बिजनेस की बात है सर। हाँ। आप पीछे आइए, मैं आपसे है ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है, दो चार बातें और करनी है। मैं लिट्टी चोखा के बारे में बात करने पीछे हूँ? नहीं 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 लिट्टी चोखा नहीं, नहीं पीछे। सर बिजनेस की बात है, जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा, इसने यहाँ बात नहीं होने देने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बिग फैन सर। फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो दोस्तों आज शत्रु सर के सुपुत्र जो है वो भी हमारे साथ है, अब वक्त है उन्हें मंच पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम मिस्टर लव सिन्हा। जोरदार तालियां।
लव, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू, थैंक यू. पिता श्री के साथ विराजमान हो जाइए. कैसे हैं लव आप? एकदम ठीक. लुकिंग हैंडसम एज ऑलवेज. थैंक यू. अच्छा, एज ऑलवेज आई वाज होपिंग कि थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई हो. अच्छा लव, आपके पापा एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं. जी. वैसे तो खुद खुल के सब कुछ खुद ही शत्रु सर बता देते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपकी मम्मी से इनको बचना होता है तब क्या ज्यादा काम आता है इनके अंदर का, एक्टर के पॉलिटिशियन? पकड़े जाते हैं तो एक्टर. हाँ. पकड़े नहीं जाते तो पॉलिटिशियन आता है. क्योंकि पॉलिटिशियन तो अक्सर पकड़े नहीं जाते. लेकिन सर कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं. तो लव, आपने तो पापा की सारी फिल्में देखी होंगी. आपको अपने पापा ज्यादा दमदार डायलॉग बोलते हुए पर्दे पे अच्छे लगते हैं या कोई रोमांस करते हुए, रोमांटिक हीरो के तौर पे? देखिए, जितना मैं जानता हूँ रोमांस इनका रियल लाइफ में होता था. रियल लाइफ में तो कम देखा था मैंने. रियल लाइफ में तो मतलब एक्शन ज्यादा होता था. मतलब कि रोमांस आई थिंक उन्होंने सेव किया रियल लाइफ में ना पापा. वाह, ये पूरी झलक दिख रही है शत्रु साहब की. पर आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता था, शत्रु सर के फाइट फाइट सीन देखना या ऐसे? एक्शन, इनका एक्शन मुझे बहुत पसंद था. एक फिल्म इनकी थी शान, उसमें शार्प शूटर होते हैं. अच्छा. तो इनको घेर दिया जाता है एक क्या था वो, मतलब हॉर्सेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे घेरा था इनको. तो दैट सीक्वेंस फैंटास्टिक लगा था मुझे. अच्छा देख लो, इन्होंने भी कहा कि मुझे पापा एक्शन करते हुए अच्छे लगते हैं, रोमांस करते नहीं. अपने ही बेटे दुश्मन हो जाते हैं सर. इसीलिए बाहर रोमांस करना पड़ता है. नहीं, अगर मैं कह पाऊँ तो एक टाइम भी आता है जब आपको जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहिए. तो आई फील कि मतलब वो टाइम बहुत पहले आ गया था, पापा को ये एहसास नहीं हुआ. बट आई थिंक अब रियलाइज करने लगे. बहुत जान है, बहुत जान है. शत्रु सर, जब ये बहुत छोटे थे लव कुश और सोनाक्षी, तब आप उस समय मतलब लगातार बहुत बहुत सारी शिफ्टों में फिल्में भी करते थे, तो जब बहुत बिजी होते तो हमें कम ही पता होता कि यार हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं. आपको पता होता था लव कुश कौन सी क्लास में है, सोनाक्षी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मुझे तो आज भी नहीं पता है. ये क्या कर रहे हैं. वैसे सुनता हूँ, कुछ जानता हूँ और कुछ सुनता रहता हूँ. कुछ मामले में बाप पे गए हैं सुना हमने. अच्छा. तो बचपन में सर कैसे थे लव? मुझे याद है जब छोटे बच्चे थे बहुत, और ये लोग रहते थे उसमें पालने में, तो चूंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि एक के पाँव में हम लोग काला धागा बांधे थे. और जो बांधते थे, और जो रात में जो नर्स होती थी जो डे नाइट के लिए, तो रात वाले नर्स से तो खास कर रिक्वेस्ट करते थे किसी तरह से पालना बदल मत देना, धागा खोल मत देना. इसको तो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता था जब खासकर ये लोग स्विमिंग पूल में होते थे. अच्छा. तो मैं पूछता था तुम कौन हो, लव हो या कॉस्टोस हो, ये करके माँ पहचान लेती थी. सर एक बार ना मैं ऋषि कपूर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि नसीब में ना रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे. जब हम गाना शूट कर रहे थे, बोलते कि बच्चन साहब मैं और शत्रु जी थे, तो बोलते कि सबसे अच्छा डांस शत्रु जी ने किया उसमें. सर वो क्या क्या चक्कर चलाया था आपने सर, आज बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को. आज जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा. सच ये है कि मैंने डांस किया ही नहीं था वहां पे. वो रशियन मूवमेंट दे दिया है, उज़्बेकिस्तान का कहां का मूवमेंट, हे समरसॉल्ट लेके और दोनों पैर पे करके. मैं एक पैर पे तो कर नहीं सकता था, दोनों पैर पे. पहला ही गाना मेरा रणधीर कपूर के साथ था और रेखा के साथ जी, उसमें सिर्फ 13 रिटेक. जनरली मेरा डुप्लीकेट कभी मिलता नहीं था, ड्यूप. अच्छा. वो गलती से, क्योंकि हमने रशियन कैप पहना हुआ था, फर वाला कैप, वो ड्रेस, ये वो बूट यहाँ तक, ये तो ये गलती से मिल गया कौआ. अच्छा. उसको लाया गया. व्हाट डांस, ये डांस वेरी गुड, यू आर मेन डांसर. तो मेन डांसर उसको बनाया गया, बेचारा शरीफ आदमी. अमिताभ ने किया, मेहनत की. ऋषि कपूर ने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया. वो लोग अच्छे थे भी बहुत. और आपके ड्यूप ने भी बहुत बढ़िया ड्यूप ने किया. और बीच में वो क्लोजअप हमारा था, बहुत उतना ही काफी था. तालियां. पर शत्रु सर, हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते थे. ऐसा हुआ है, मैं पहले एक बार किस्सा बताता हूं. मिमिक्री कॉन्टेस्ट था यहाँ पे शनमुखानंद हॉल में. और मैं वहाँ पे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं चीफ गेस्ट था, गया था वहाँ पे. उस समय मैंने अशोक कुमार जी का तो किया ही, प्राण साहब का किया. अच्छा, मैंने
बलराज सहनी जी का किया जो आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और मैंने उस दिन वहाँ पे किया और हॉल में तो कुछ माँ सरस्वती की कृपा थी, कितना लोगों को पसंद आया वहाँ पे, कर लेता। ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत शार्प रही, लेकिन मैं अब उसके बावजूद कहना चाहूँगा, जैसे मैं मुगले आजम 35-40 बार देखी होगी, तो पृथ्वीराज जी कैसे बोल रहे हैं जी जंग का मैदान, या हमारे दिलीप साहब कैसे बोल रहे हैं कि ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड चकनाचूर किया है, मुहाफिज है न सिर्फ अनार कल के बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों के जो मोहब्बत के परवाने हैं, जिन्हें कहीं शनशाह की तलवार का खौफ नहीं। उस जमाने का देखा हुआ कि फिर पृथ्वीराज जी का मान सिंह, इससे पहले अकबर का जंगी तलवार मौत का साया बनकर तुम्हारे सर के ऊपर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अनार कली को हमारे हवाले कर दो। ये तलवार, ये तलवार मुहाफिज है न सिर्फ अनार कली की बल्कि तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों की, जो मोहब्बत के परवाने हैं, जो निकले शनशाह की तलवार का खौफ नहीं। क्या बात है सर। सर आपको पता है ये फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, तो कुछ ये अफवाहें आई हैं और ये अफवाह ये है कि सर सोनाक्षी का नाम असल में आपके नाम पे रखा गया, क्योंकि आपके करीबी जो हैं वो आपको सोनू नाम से बुलाते हैं। ये सच्ची बात है सर? हाँ, ये कारण तो जरूर है, क्योंकि हालांकि सोनू बहुत करीबी जो अपने हैं और बहुत मधुर भाषी हैं उनसे ज़्यादा अच्छा लगता है जी। अब पत्नी अगर सोनू बोले तो कैसा लगेगा? और इतने लंबे चौड़े आदमी को कोई, जैसे अर्चना जी को हम टिंकू बोलते हैं, सूट ही नहीं करता ना, मतलब जो भी मिनी बोलते हैं सूट ही नहीं करता पर्सनैलिटी पे। लव ये अफवाह है कि आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी मैरिज अरेंज हो, लेकिन आपका यकीन लव पे है। तो इसी कंफ्यूजन में आप थोड़ा टालते जा रहे हैं। इज इट ट्रू? नो नो, इट्स नॉट ट्रू। यानी अरेंज भी कर लेंगे, लव भी कर लेंगे, उसमें क्या हुआ? ना करना नहीं है। नहीं नहीं, फिलहाल हाँ होनी नहीं है। तो ना ना करना नहीं, जानो अरेंज आता है अरेंज भी कर लेते हैं, जो भी करना है। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप फिल्म साइन करते थे तो हीरोइन के बारे में आप नहीं पूछते थे, आपको ये पता करना होता था कि हीरोइन की माँ कौन है। ये अफवाह की सच है? नहीं नहीं, कुछ हद तक सच है। फिल्म कर रहा था मिसेस पूनम सिन्हा के साथ, तो वो फिल्म आई थी ना, बहुत मशहूर गाना था बरखा रानी, आज भी गाना बजता है। तो उस समय तो हमको मदर इन लॉ लाइक नहीं करती थी। अच्छा। तो कोई पिक्चर, कई पिक्चर छोड़नी पड़ी थी इनके साथ, और उन्होंने छोड़ा कई पिक्चर हमारे साथ। तो हम जब काम करते थे और मैं कुछ रोमांस के कुछ, तो आप जैसे मुझे देखे जा रहे हैं निकाह टकटकी बांध के, वैसे ही हमारे मदर इन लॉ देखते रहते थे कि बाबा इसकी नजरें किधर जा रही हैं, इधर ही देख रहा है या कहीं और देख रहा है, इधर देख रहा है। और हिलती नहीं थी। अच्छा। डबिंग भी करने जाता था मैं, तो वहाँ बैठे तो डबिंग में उल्टा साइड में, इधर डबिंग हो रहा है मेरा तो वो सामने को फेस के सामने, और मैं ही शायद अच्छा एक्टर था, निभा गया किसी तरह। कितना डिस्ट्रैक्शन और कितना डिस्टर्बेंस। ये बात दूसरी के बाद में उनका बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो मुझसे कोई पूछता था कि आप फिल्म साइन करते वक्त किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्क्रिप्ट का, स्टोरी का, बैनर का, स्टार कास्ट का, हीरोइन का, तो मैं कहता था हीरोइन की माँ का। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप बच्चन साहब के साथ कहीं जाते थे तो उनको अपनी कार में लेके जाते थे और उनसे ड्राइविंग करवाते थे, मगर कभी कार बंद हो जाती थी तो आप खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते थे और बच्चन साहब को कहते थे धक्का लगाइए। कोई तो चाहिए ना ड्राइविंग सीट पे आने वाला, मैं तो कोई तो चाहिए रहा। कमाल है, मतलब दोस्त है, और दोस्त किस काम का अगर वो धक्का ना लगाए तो। धक्का लगाना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था और ड्राइविंग करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। थैंक यू। मैं पार्लर वाली समझ गया। आई लव यू। क्या बोल रही है? नहीं, मैं बोल रही हाय लव यू, यू लव नो हाय बोलिए, मैं मिस मी। व्हाट? अरे मैं मिस हूँ ना, तो मिस मी मैं ऐसा करके बोले ली। मैंने आप पे बहुत सारी बातें बनाई ली, लेकिन डैडी के सामने बोल नहीं सकती ना। कभी प्लानिंग करो ना कोपचे का।
और ज्यादा पैसे लेकर आना, क्यों? वरना लड़के लोग मेरे को इडली खिला के भेज देते हैं। आप आएंगे ना, मैं पास्ता भी खाएगी, बर्गर भी खाएगी भाई। वेरी नाइस। हाउ आर यू? कैसे आपको तो अच्छा लगा आप इधर आए? मैं सच्ची बोल रही है, मेरे को तो यकीन इच नहीं हो रहा है कि शत्रु जी सामने बैठे ले। यकीन हो तो जाओ यहाँ से, वापस जाओ। अभी ये तेरा डायलॉग नहीं था, तेरा डायलॉग था कि यकीन नहीं हो रहा है तो उनको छू कर देख ले, और मेरा डायलॉग था कि मैं उनके चरण छू के काली चरण छू। मैंने चरण और काली चरण पे इतना अच्छा जोक बनाया था, इसने आते ही मेरा जोक खराब कर दिया। सॉरी। रो क्यों रही है तू इतना फिर अभी? मैं इसीलिए नहीं रो रही कि मेरा जोक खराब हुआ है। हाँ। मैं इसीलिए रो रही कि इनको इधर बिठा के क्या व्यू दिखा रहे तू। अरे उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने तो आते ही अर्चना जी के लिए शेर भी बोला है। हाँ? अरे वो तो अर्चना जी ने बैक स्टेज पे जाके हाथ जोड़ के इनको बोला था कि प्लीज मेरे लिए दो शायरी बोल देना। अब इतने बड़े बड़े हाथों से एक औरत रिक्वेस्ट करेगी, रोएगी तो कोई शायरी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इसलिए अंकल ने बोले ले। चलो आपने अंकल को बोला, कोई बात नहीं, आप लोग तो हम उम्र है। हाँ? नहीं, आप छोटे इनसे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पिछली बार ना वरुण धवन आए थे। हाँ। उनको भी बोल दिया कि मेरे लिए शायरी बोलो। हाँ, पता है डेविड साहब का फोन आया, मेरे को कितना भड़क रहे थे। क्यों? बोले वरुण धवन इनसे 45 साल छोटा है, वो कहेगा शायरी बोलेगा इनके लिए। फिर अंकल आई एम वेरी सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। आप अभी उसमें गए थे ना, वो डांस वाले शो में, सोनी के बेस्ट डांसर, इंडिया बेस्ट डांसर, उधर आपको नूरा व्यू मिला, इधर बैठ के इतना बुरा व्यू मिल रहा है मेरे को, बहुत बुरा लग रहा है। फालतू बोलती जा रही है। नहीं, आज मैं सबको खामोश करके रहेगी। अच्छा। हाँ, आपको पता है अंकल, अर्चना जी आपकी खामोश की बहुत बड़ी फैन है। तुझे कैसे पता? सिद्धू जी को खामोश कर दिया है, ऑडियंस को खामोश कर दिया है, यहाँ तक कि अंकल कल मैंने इनसे पूछा आप खाने में क्या लेंगी, मोमोज, कहते नहीं खामोश। अच्छा अंकल, मेरे को ना एक छोटा सा कंफ्यूजन था। क्या? आपके घर का नाम शॉटगन है ना, तो ये मेरे को बोल रहा था आपके घर का नाम रामायण है। शॉटगन इनका घर का नाम है और रामायण इनके घर का नाम है। हाँ, तो वही पूछ रही है मैं कि आपके घर का नाम शॉटगन है कि आपके घर का नाम रामायण है। और जिस घर में ये रहते हैं उस घर का नाम रामायण है, लेकिन इनके घर का नाम शॉटगन है, ऐसे। ओ, समझ गई समझ गई, कि मैं ये कभी भी नहीं समझ पाएगी, ये मेरे से नहीं होगा। ऐसे सवाल करता भी कौन है। अरे मेरे को ऐसी थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैं इसीलिए मैं पूछी अंकल को। अच्छा अंकल, मेरे को एक और चीज जानने का था, ये लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, ये सब कलर अंकल आपको पसंद नहीं है क्या? क्यों, ऐसे क्यों? नहीं नहीं, इनकी पिक्चर देखना, इनको काला रंग बहुत पसंद है। काली चरण, काला पत्थर, और कौन सा वो काला पत्थर, काला सूरज। मैं सच्ची में अंकल, मैं सब पिक्चर देखी लिए, आप बहुत दिग्गज कलाकार हैं, मैं सच्ची बोल रही हूं। अंकल मेरे को ना आपकी वो वाली पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी थी, एक नारी दो रूप। हाँ, सेम इसका है सर। ये भी एक नारी दो रूप, बाहर से भांजी अंदर से भांजा। मेरे को ज्यादा, तू भी कम नहीं है। हाँ। ये अंकल ऊपर से कप्पू है, अंदर से शाम है। हाँ? आपने देखा हमारा केबीसी? हाँ। केबीसी में जब भी आता है बोलता है शाम आएगा, तो कह देना छेनू आया था। अभी बोल के दिखा। नहीं, बोल के दिखा, अभी को तू बोल के दिखा, बोल ना। वो तो अर्चना जी मुझे कहती है, मैं इसलिए कर देता हूं। कोई नहीं कहती, आज तू फसेला है अंकल। बोल के दिखा तू, अर्चना जी बोलो ना इसको, एक लाइन तो बोलेगा। नहीं नहीं नहीं। अंकल हम लोग का ना नाला सुपर में बिजनेस है। हम लोग का डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो ये तो, उसके अलावा हम लोग भोजपुरी पिक्चर भी बनाते हैं। कौन सी बनाई थी? अभी हम चाहते हैं कि एक पिक्चर आप प्रोड्यूस करें। कौन सी फिल्म? पिक्चर का टाइटल है मुन्नी बनी शिला, रजाई से निकला गौड़ जिला। ये कैसे टाइटल हुए? चल, पारिवारिक पिक्चर है ये। कौन सी पारिवारिक पिक्चर है ये? अरे वो गौड़ जिला के छोटे छोटे जिला है, उनकी कहानी है वो। नहीं अंकल, मैं बोलती हूँ अगर आप ये पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे ना मेरे लिए। हाँ। मैं आपको अलग अलग टाइप का मसाज देगी। अच्छा, मेरा पार्लर है, हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। अरे बट हमें अब मसाज देने का फायदा नहीं है ना, बहुत देर हो चुकी है। दे
देखिए अंकल, मैं बोल तो आपको रही थी लेकिन मेरा इशारा इनकी तरफ ही था। अभी आपने जो जो पिक्चर के लिए ना वो मसाज में इनको देगी। अच्छा, कौन सी मसाज बनाई है? हमारे पास क्रांति मसाज है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक आंटी रहती है, मैं उसको पार्लर में बुलाती है, तो वो आंटी अपना चप्पल बाहर उतरती है और धीरे धीरे रूम में जा रही रहती है। धीरे धीरे क्यों मतलब? क्योंकि जो दूसरी आंटी रहती है दीपा आंटी, उन्होंने पोछा मारा है। अच्छा, तो इसलिए धीरे धीरे जा रही। कौन सी आंटी ने पोछा मारा है? कोई तो आंटी ने। कोई नहीं, नाम बता। तू तू शो पे ध्यान है कि नहीं तेरा? इधर किधर क्या कार्टून वीटून कर रहे, उधर करोड़ों रुपया ले रहे। फिर अभी मैंने सुना शिमला भी जा रहे अंकल वेब सीरीज करने के लिए। हाँ। उधर भी उनको लूटेला 20 करोड़ रुपए लिए वेब सीरीज करने का। पहले ये बता क्रांति मसाज में क्या होता है? कौन क्रांति? अच्छा ये वाला, सॉरी इतना एपिसोड करते पता नहीं रहता कौन सी चीज किधर बोलने का अंकल। हाँ, तो ये इसमें क्या रहते, वो आंटी जो थी जो धीरे धीरे आ रही थी ना अंदर, तो आंटी के हाथ में हम तेल का कटोरा दे देते, फिर आंटी को बोलते कर आंटी मसाज। एक और मसाज है काली चरण मसाज। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं अंकल, हम कस्टमर को लेटाते हैं, फिर मेरा जो दोस्त है ना चरण, मैं उसको फोन करती है, फिर चरण काली पहाड़ी के पीछे जाके मसाज करता है, ऐसा काली चरण मसाज लेते हैं हम लोग का। फिर एक और मसाज है, शाम आएगा तो कह देना कि छेनू आया था मसाज है हम लोग के पास। इतनी लंबी मसाज? अरे इसमें दो दो हीरो लोग है ना, तो लंबाई मसाज रहेगा, शाम और छेनू है ना। हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं अंकल हम लोग, एक ना अंकल एक आदमी रहता है, वो पटना से ट्रेन में आता है बहुत साल पहले मुंबई में, और फिर बहुत नाम कमाता है, बहुत पैसा कमाता है और बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। उसका नाम शाम रहता है, तो मैं उनको तेल लगाती है और मैं उनको 2 तारीख को पंजाब लेके जाती है। अच्छा। ट्रेन से जाते तो हम लोग 3 तारीख को पहुंचते है, 4 तारीख को मैं रेस्ट कर रही रहती है। हाँ। तो 4 तारीख की शाम को शाम आता है। अच्छा। और मेरे को पंजाबी में बोलता है, अरे एक ही मसाज तू कब करेगी, 5 नू? मैं कहती नहीं 6 नू। वाह, बड़ी कलाकारी, बड़ी मेहनत वाला था ये। बहुत गेस्ट आते ना हमारे पास, वो आए थे पूनम ढिलन जी। हाँ, तो मैंने उनका जूड़ा बनाई थी ना, तो थोड़ा ढिलन हो गया पीछे से, तो मेरे को वो टाइट करने के। मैं शत्रु सर, ये जो जरूरत नाम से जो गाना रिलीज हुआ है, जिसके वीडियो में आप भी दिखाई दे रहे हैं, सोनाक्षी भी दिख रही हैं, बड़ा मीनिंगफुल है, बड़ा थॉटफुल कॉन्सेप्ट है ये, और आज के समय में बड़ा रेलेवेंट है कि जब हर एक आदमी जो है अपने अपने बारे में सोच रहा है पूरी दुनिया में, ऐसे में हम किसी आदमी को किसी जरूरतमंद के लिए अगर निकल के आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो उसकी जिंदगी में शायद वो बहुत बड़ी मदद हो सकती है जो आपके लिए शायद छोटी सी हो। पर ये कहाँ से आइडिया आया सर? ये आइडिया तो देखिए आप लोग से ही आया, जैसे वरुण गुप्ता से इन्होंने कहा, फिर आप लोग का जो कैसेट था पिछला वीडियो गुजर जाएगा अमिताभ बच्चन ने और बेस डाल दी थी उसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ, और खासकर अभी जो आपने हाल में देखा होगा, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, वो जो देश की लॉकडाउन में हालत हुई है, हमारे मजदूरों की, हमारे लेबर की जो हालत हुई, जिस तरह वर्ल्ड वाइड पूरा अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान में पैदल चल चल के गए वो लोग, दिक्कतें आई, उन लोगों को कष्ट आया, उसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमी की क्राइसिस वर्ल्ड वाइड हुए हिंदुस्तान में हुए, उस वक्त जो लोगों के नौकरियां और चली गई, जो भी कारण रहा हो जिसमें, तो इन सब पे इनके बीच में एक चिराग लेकर, एक रोशनी, एक प्रकाश पुंज बनकर मैं कहूँगा ये गीत के जरिए जो श्रवण ने लिखा है, और खासकर एक बात बताना भूल गए जो शायद नहीं पता होगा आपको, लव कुश ने और खासकर लव ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जब ये लोग लॉकडाउन का समय था और ये चाह रहे थे इसको वीडियो फिल्म करें, राइट, वहाँ पे तो पहले हमारे ऑडियो लिया गया जो बहुत पसंद आया लोगों को जी, लेकिन इन लोगों को लगा ऑडियो देखने के बाद, खासकर मेरा और सोनाक्षी का पहली बार एक गीत सामने आए इस तरह से मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग गीत, तब इन्होंने कहा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हो जाए, इसका ऑडियो विजुअल हो जाए तो गजब हो जाएगा, तो इन्होंने कहा, तो फिर लव ने
कुश ने अपनी डायरेक्शन दे के, लव ने इनके साथ बात करके कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे से इसको पेश किया और यहाँ पे पूरा इन्होंने किया। तो लव आप बोलिए कैसे लव कैसे ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है पर कंट्रीब्यूशन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बड़े खूबसूरत गीत को गाने को जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया और जो पूरा थॉट था। वरुण हमारे साथ हैं, वरुण गुप्ता प्लीज आइए आप मंच पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो आप लेके आए। थैंक्स। और आज आपकी वजह से शत्रु साहब से हमें मिलने का मौका मिल रहा है, लव से भी मिलने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें याद है शत्रु साहब, जब लॉकडाउन भी चल रहा था तो उस समय भी बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कहा कि बच्चन साहब ने उसमें वॉइस ओवर भी दिया था, और बड़ा हमेशा ही अच्छा ही कुछ बहुत ही अच्छा लेकर आते हैं। और ये इसको तो मैं एक सोशल वर्क भी कहूंगा, नोबल काम भी कहूंगा। बहुत बहुत। और मुझे लगता नहीं किसी ने आपसे कोई पैसे लिए होंगे इस वीडियो में काम करने के लिए, तो फिर इतने दुखी क्यों लग रहे हैं आप? अच्छा, अच्छा। मेरे को बड़े सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम लोगों ने काफी फॉरेन टूर भी किए साथ में, लाइव शोज में। तो मेरा छोटे भाई जैसा है तो इसलिए थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ सीरियसली बताओ दुखी क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल भी दुखी नहीं। वरुण ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं? लॉकडाउन के टाइम पे मैं घर नहीं जा पाया था, और उसी समय हम लोग ये कम्युनिकेशन आपस में दोस्त कर रहे थे कि हम क्या करें, तो उस समय सब लोगों को अश्योरेंस की जरूरत थी, बिकॉज सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जी। तो मैं और मेरे दोस्त सिद्धांत कौशल, जो एक राइटर है, आप जानते हैं, वो भी अपना भाई है छोटा, तो सिद्धांत और मैंने एक थॉट डिस्कस किया कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट एक कम्युनिकेशन करते हैं जो अश्योरेंस पे हो। तो एक गाना लिखा गया और मेरे एक दोस्त ने रिचा नेहरू, जो जर्नलिस्ट हैं दिल्ली से, जी जी, उनसे बात की। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह बच्चन साहब से बात हो गई और ही लव द आइडिया, और वो गाना हुआ। और उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया कि जी, अगर आप इस पे साथ में आ जाएंगे। सो वो अपने आप में एक ऐसी एक मुहिम थी जिसमें 51 सिंगर्स ने गाया, 115 आर्टिस्ट फीचर हुए, और वो बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेशन था जिसमें हम सबको ये बताना चाहते थे कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। बिल्कुल। और उसके जस्ट बाद ही हमारी एक दोस्त है, मैं उनसे 2015 में कुवैत में मिला था, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम शत्रु सर के साथ कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला 100% कर सकते हैं। और श्रवण ने एक थॉट बनाया, चल ज़रूरत में ज़रूरी बन जाते हैं। और हमने सर से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सर और सोनाक्षी जी साथ में इस कम्युनिकेशन में आए। और लव, थैंक यू वेरी मच। ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर आई थिंक दो बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड किया। जो आप देख रहे हैं ये, यू नो, मैं मेंशन करना चाहूँगा, कुछ 18 दिन हम लोगों ने गुजरात में और अलग अलग जगह शूट किया, फिर लव के साथ हम लोगों ने बहुत कॉन्टेंट किया। तो दिस इज एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया, बट और एक खास बात बता दूं कपिल की, हमारी इनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, दूरभाष के जरिए इन्होंने संपर्क स्थापित किया था जी, मणिशंकर अय्यर की भाषा में जी, लेकिन साक्षात्कार आज पहली बार आपके जरिए हो रहा है। अच्छा, आज पहली बार ही आपसे मिले हैं। वरुण वैसे तो तुम छोटे भाई हो, लेकिन सीधा तुम शत्रु जी से मिल रहे हो हमारे शो की वजह से 50,000। बाहर तो मुझे 2 लाख रुपए बोला था, नोट्स 1.5 लाख मैंने डिस्काउंट दे दिया, भाइयों का डिस्काउंट होता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आज जी, मतलब मेरे लिए एक और बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज देहरादून से भरत सर और अर्चना मैम दोनों देहरादून से, और फॉर मी टू बी हियर फ्रॉम देहरादून एंड वॉकिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ भरत सर और क्रिएटिव फील्ड में आगे जाना, वी आर वेरी प्राउड कि आपने ये काम किया, आप देहरादून से हैं, आपने बहुत बढ़िया। तारीफ है, मैं चाहूंगा कि तमाम लोगों की तरफ से एक जोरदार तालियां। बिल्कुल, ये वरुण और इनकी टीम के लिए गॉड ब्लेस, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन वरुण, और थैंक यू शत्रु सर, थैंक यू लव, आज की शाम को यादगारी बनाने के लिए। लव यू सर, वंडरफुल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शत्रु सर के लिए, मिस्टर लव सिन्हा के लिए और मिस्टर वरुण गुप्ता के लिए। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबकया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।